जनरल मेल की कट ऑफ SMS के लिए रही है फर्स्ट राउंड में 69 और फीमेल के लिए रही है 57। RSS के लिए फर्स्ट राउंड में जनरल मेल की रही है 63 और जनरल फीमेल की रही है 53। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा BSc नर्सिंग काउंसलिंग कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले SMS और फिर RHS और फिर अदर नर्सिंग कॉलेज, जनरल OBC SC ST की कट ऑफ में शेयर करूंगा। चलो आगे शेयर करते हैं अपन कट ऑफ को। यह कट ऑफ में प्रथम राउंड की कट ऑफ शेयर करूंगा अभी, और इसी के साथ में आपको सेकेंड राउंड की कट ऑफ भी शेयर करूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कट ऑफ नर्सिंग 2019 फर्स्ट राउंड कट ऑफ, सबसे पहले SMS और फिर RUHS। जनरल, जनरल में दो कैटेगरी है, एक नॉर्मल जनरल और एक है EWS कैटेगरी। जनरल पहले मैं ओनली जनरल की शेयर कर देता हूँ। जनरल मेल की कट ऑफ फर्स्ट राउंड में SMS में रही है 69, मतलब जिन बच्चों के 69 और 69 से अबव नंबर थे मेल में, उनको SMS कॉलेज मिली है फर्स्ट राउंड में। और जिन बच्चों के 63 नंबर या 63 से अबाउ थे, उनको RHS कॉलेज मिली है। इसके बाद में मैं जनरल फीमेल की कट ऑफ बता देता हूँ आपको। जिन लड़कियों के 57 नंबर या 57 से अबाउ नंबर थे, उनको SMS कॉलेज मिली है। देखो, इसमें जिनके 57 नंबर थे, उनमें से कुछ को SMS मिली है और कुछ को RHS मिली है, मतलब 57 नंबर एक से अधिक बच्चों के थे। जो मेरिट में ऊपर रहा उसको SMS मिली है, और जो मेरिट में नीचे रहा उसको RHS मिली है। इसका मतलब है कि 57 में कुछ को तो SMS मिल गई और कुछ को नहीं मिली। इसी प्रकार 69 में भी कुछ को तो SMS मिली है और कुछ को नहीं, तो यह आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके साथ मैं अब EWS की कट ऑफ शेयर कर रहा हूँ। EWS प्रथम राउंड में मेल की कट ऑफ रही है SMS के लिए 64, मतलब जिन बच्चों के 64 नंबर थे, उनमें से कुछ को SMS मिल गई और कुछ को नहीं मिली, पर जिनके 64 से अधिक थे, उनको SMS कन्फर्म मिला है। और फीमेल की SMS के लिए कट ऑफ रही है 44, जिनके 44 नंबर थे, उनको SMS कॉलेज मिली है EWS कैटेगरी में। और जिन लड़कियों के फीमेल कैटेगरी में EWS को 38 नंबर थे, उनको RHS कॉलेज मिला है। ये रही प्रथम राउंड की कट ऑफ। इसके साथ ही मैं आपको सेकेंड राउंड की कट ऑफ शेयर और कर देता हूँ। सेकेंड राउंड के लिए मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही नॉलेज दे देता हूँ सेकेंड राउंड की कट ऑफ के बारे में। ये प्रथम राउंड की कट ऑफ थी, अब मैं सेकेंड राउंड की कट ऑफ भी बता देता हूँ। देखो, वैसे सेकेंड राउंड में SMS में लगभग यही कट ऑफ रही है। SMS में सेकेंड राउंड के लिए लगभग यही कट ऑफ रही है। क्यों? क्योंकि SMS में कोई पीस है नहीं और बच्चे सीट छोड़ते नहीं है, तो लगभग SMS के लिए, जनरल और EWS के लिए और OBC के लिए लगभग जो कट ऑफ मैंने फर्स्ट राउंड में बताई है, वही कट ऑफ लगभग रही होगी। हो सकता है तो फीमेल में एक नंबर कम हो सकता है, वरना लगभग यही कट ऑफ रही है। और RHS में इनमें से आप एक नंबर या दो नंबर कम कट ऑफ जा सकती है। इसके लिए मैं आपको सेकेंड राउंड की कट ऑफ अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा। अभी मैं शेयर करता हूँ OBC की कट ऑफ। आगे मैं शेयर कर रहा हूँ OBC की कट ऑफ। देखो, ये OBC, NCR, MBC, ये सभी कैटेगरी अलग अलग है। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना रखा था रिजर्वेशन को लेके, तो आप वह वीडियो देखने के लिए इस आई बटन में जाके देख सकते हो। आपको आई बटन यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब बात करते हैं OBC की कट ऑफ के बारे में। OBC में दो कैटेगरी है, OBC NCL और MBC। MBC जो गुजरों को अलग से आरक्षण है, वो कैटेगरी है। अभी मैं पहले OBC NCL की कट ऑफ शेयर करता हूँ। OBC NCL मेल की कट ऑफ फर्स्ट राउंड में SMS के लिए रही है 68 नंबर, और फीमेल के लिए रही है 54 नंबर। SMS की कट ऑफ है
मेल के लिए ओबीसी 68 और ओबीसी फीमेल के लिए एसएमएस के लिए रही है 54 नंबर। अब इनमें से 54 में से कुछ बच्चों को एसएमएस मिली है और कुछ को नहीं, मतलब ये मेरिट के अनुसार है। 54 नंबर काफ़ी बच्चों के थे तो किसी को मिली है और किसी को नहीं। इसी प्रकार मेल में भी कुछ को 68 नंबर थे उनमें मिली है और कुछ को नहीं। अब मैं आगे आरएचएस की कट ऑफ शेयर करता हूँ। प्रथम राउंड में आरएचएस में कट ऑफ रही है 61 मेल की, ओबीसी मेल की कट ऑफ प्रथम राउंड में 61 रही है और ओबीसी फीमेल की कट ऑफ प्रथम राउंड में 47 रही है। अब इसी के साथ मैं एमबीसी कैटेगरी की भी शेयर करता हूँ। एमबीसी मेल की कट ऑफ एसएमएस के लिए रही है 58 और फीमेल के लिए रही है 40 नंबर। अब आगे आरएचएस की कट ऑफ में बताता हूँ, मेल के लिए 52 और एमबीसी कैटेगरी की फीमेल के लिए रही है आरएचएस के लिए 36। आप ये एक बार पूरा देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं सेकेंड राउंड की कट ऑफ भी शेयर करता हूँ। ओबीसी वैसे सेकेंड राउंड के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओबीसी के लिए एसएमएस में तो लगभग यही कट ऑफ रही है, एमबीसी और ओबीसी के लिए लगभग यही कट ऑफ रही है। हो सके तो ये एमबीसी कैटेगरी में एक एक नंबर कम हो सकता है, वरना यही कट ऑफ प्रथम राउंड में लगभग यही रही है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अब रही बात आरएचएस की, तो आरएचएस में ओबीसी मेल की कट ऑफ 59 तक गई है, 59 वाले बच्चों को आरएचएस सेकंड राउंड में मिला है और ओबीसी फीमेल में लगभग 45 तक मिल गया होगा, कंफर्म नहीं है, मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा उसमें पूरा कंफर्म बता दूंगा आपको। अभी तो मैं एक आइडियल कट ऑफ बता रहा हूं, तो 45 के लगभग कट ऑफ रही है सेकंड राउंड में और इनमें भी आप दो दो नंबर कम करके मान लो, वैसे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये प्रथम राउंड कट ऑफ है और एक आइडियल कट ऑफ में बता रहा हूं, और इसमें 59 तक ये कन्फर्म है, 59 तक मिला है और बाकी की इनकी आइडियल कट ऑफ बताया है मैंने। अब मैं आगे शेयर करता हूँ एससी कैटेगरी की कट ऑफ। यह है एससी कैटेगरी की कट ऑफ, एससी में मेल और फीमेल, इसमें कोई और कैटेगरी नहीं है, सिर्फ मेल और फीमेल कैटेगरी की है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। इसमें एसएमएस के लिए रही है 57 नंबर और आरएचएस के लिए रही है 54 नंबर मेल की कट ऑफ। मेल एसएमएस के लिए एससी कैटेगरी में 57, जिनके 57 नंबर या 57 से अबाव थे उनको प्रथम राउंड में एसएमएस मिली है। अब 57 नंबर में कुछ बच्चों को मिला है एसएमएस और कुछ को नहीं। इसी प्रकार आरएचएस में 54 नंबर मेल एससी कैटेगरी को प्रथम राउंड में आरएचएस मिला था। अब इनमें से 54 में कुछ को मिला है और कुछ को नहीं। इसी प्रकार एससी फीमेल कैटेगरी में एसएमएस के लिए 54 नंबर कट ऑफ रही है और एससी फीमेल आरएचएस के लिए 42 नंबर कट ऑफ रही है। अब मैं इसमें साथ ही सेकंड राउंड के लिए भी टॉप शेयर करता हूँ। एसएमएस के लिए तो लगभग यही कट ऑफ रही है सेकंड राउंड में भी, और इनमें एक आइडियल आप कम कर लो लगभग 3 नंबर तक, वैसे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पर आप एक आइडियल बता रहा हूँ मैं आपको कि लगभग 2 या 3 नंबर कम कर लो कट ऑफ आरएचएस के लिए। अब मैं आगे शेयर करता हूँ एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। ये प्रथम राउंड कट ऑफ है एसटी कैटेगरी में। एसटी में आपको पता है दो कैटेगरी है, एसटी और एसटीए। यदि आपको ये कन्फ्यूजन है कि कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर रखा है, तो आप यहाँ पे आई बटन में जाके देख सकते हो एक रिजर्वेशन के बारे में अलग से वीडियो। अभी शेयर करते हैं एसटी के बारे में, एसटी नॉर्मल एसटी और एसटीए कैटेगरी। ये एरिया के अनुसार डिवाइड किया गया आरक्षण है। एसएमएस के लिए एसटी मेल की कट ऑफ प्रथम राउंड में रही है 51 नंबर और आरएचएस में एसटी मेल की कट ऑफ प्रथम राउंड में रही है 47 नंबर। इसी प्रकार एसटी फीमेल की कट ऑफ एसएमएस के लिए रही है 41 नंबर और इसी प्रकार आरएचएस में एसटी फीमेल के लिए रही है 39 नंबर। अब एसटीए की कट ऑफ में आपको बता देता हूँ, मेल एसएमएस जयपुर में मेल की कट ऑफ लगभग 31 से अबाउ थी, इसमें मेरे को कंफर्म पता नहीं था तो मैंने बताया नहीं है,
पर 31 से अबव थी। आगे आरयूएचएस की शेयर कर लेते हैं। आरयूएचएस में एसटी मेल में जिनको 31 नंबर थे या इसके अबव थे उनको आरयूएचएस मिला है। आगे शेयर करते हैं एसटीए फीमेल की कट ऑफ। एसटीए फीमेल में जिनके 27 नंबर थे उनको एसएमएस मिला है। और आगे आरयूएचएस में मिला है जिनके 25 नंबर थे उनको एसएमएस मिला है, सॉरी उनको जयपुर आरयूएचएस मिला है। 25 नंबर एसटीए फीमेल, 25 नंबर आरयूएचएस मिला है। एक बार आप ये पूरा देखो ताकि आपको समझ में आए। ये प्रथम राउंड की कट ऑफ है और इसी के साथ अब सेकंड राउंड की एक आइडियल कट ऑफ बता देता हूँ। आप एसएमएस में तो यही कट ऑफ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई फीस नहीं है और जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं वो सीट छोड़ते भी नहीं है, तो एसएमएस में तो लगभग यही कट ऑफ रही है। और आरयूएचएस में आप एक आइडियल 3 नंबर कम कर दो। आरयूएचएस की कट ऑफ ये रही है आइडियल सेकंड राउंड के लिए, और ये जो बाकी कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड के लिए रही है। एक बार मैं आपको ये पूरी कट ऑफ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। ये प्रथम राउंड की कट ऑफ जनरल के लिए, ये ओबीसी के लिए, ये एससी के लिए, और ये एसटी के लिए। अब इसी के साथ मैं आपको अदर कॉलेज की कट ऑफ भी बता देता हूँ। अदर कॉलेज जैसे मैं पहले कोटा की बता देता हूँ, तो कोटा में लगभग जिनके 57 नंबर थे ओबीसी में उनको कॉलेज मिली है। मैं इन सभी के बारे में अलग से वीडियो और बनाऊँगा तो उनमें आपको बता दूँगा। जिनमें ओबीसी में लगभग 57 नंबर थे उनको ये कोटा वाली कॉलेज मिली है। कोटा, बीकानेर और जोधपुर, इनमें लगभग 57 नंबर कट ऑफ रही है ओबीसी मेल की कट ऑफ। और मैं आपसे आग्रह करूँगा जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं इनमें कोटा, बीकानेर, जोधपुर आदि कॉलेजों में, तो अपनी कट ऑफ शेयर करें मुझे कमेंट बॉक्स में जाके। अभी मैं करता हूँ एक झालावाड़ कॉलेज के बारे में। झालावाड़ कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें 47 नंबर तक कट ऑफ रही है। झालावाड़ कॉलेज में 47 नंबर तक कट ऑफ रही है ओबीसी मेल की। और सेकंड राउंड में लगभग यही कट ऑफ रही है, 47 या 46 तक कट ऑफ गई है झालावाड़ कॉलेज की। इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है पर मैं सेकंड राउंड में कंफर्म करके आपको और बता दूंगा और पूरी कट ऑफ शेयर करूंगा। और साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगा जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई है वो अपने मार्क्स, नाम और कैटेगरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि बच्चों को पता चले कि कितनी कट ऑफ रही है। यह कट ऑफ अभी तक आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने कुछ भी नहीं बताई है, इसलिए मैं आपको बाकी कट ऑफ नहीं बता पाया। पर मैंने जहाँ तक कोशिश की तो मैंने एसएमएस और आरयूएचएस की कट ऑफ पता करके आपको बताने की कोशिश की है। आप मेरे से जुड़े हो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे बीएससी नर्सिंग से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन दे सकूं। और थर्ड राउंड जैसे होगा मैं अपने YouTube चैनल पर आपको बता दूंगा। आप मेरे से जुड़े हो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।